जी हाँ दोस्तों, अभी सब कुछ होने के बाद अभी ये सामने आ रहा है कि आसिम रियाज मुस्लिम है, इसलिए आसिम रियाज को जितवाया नहीं गया है। तो अब हो रहा है जात पात धर्म को लेकर खेल के ऊपर खेल, और इसका विक्टिम कौन हुआ है? आसिम रियाज और आसिम रियाज के सब फैंस। तो क्या हुआ है सब कुछ बताऊंगा दोस्तों, इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा रहस्य लाइव में ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों बिग बॉस का फिनाले हो चुका है, आसिम रियाज हार गए हैं, सिद्धार्थ शुक्ला जीत गए हैं, ये हम और आप सभी जानते हैं। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला को बायसली जितवाया गया है, और ये हम सब लोग कह रहे थे बिग बॉस खत्म होने के बाद, यानी फिनाले खत्म होने के बाद। और अभी बिग बॉस के अंदर से जो खबर आ रहा है, बिग बॉस की एक एक्स एम्प्लॉई फरीहा वे ट्वीट पे ट्वीट करते जा रहे हैं। जी हाँ, कलर्स का जो ये शो है यानी बिग बॉस 13, ये फिनाले में विनर डिक्लेरेशन के बाद ही उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल में कह दिया था कि एंडेमोल के सीईओ अभिषेक रेगे वो नहीं चाहते थे आसिम रियाज विनर बने, क्योंकि वे एक कश्मीरी मुस्लिम है और ये कलर्स टीवी का भी चाना है, और इसलिए फरिया ने कहा कि कलर्स टीवी एक रेसिस्ट है और वे वहां पर जॉब कंटिन्यू नहीं किया है, और इनके लिए वो अपने आप की शुक्रगुजार है। हालांकि उनके अकाउंट में जाने से आपको पता चलेगा कि वो मुस्लिम धर्म की सपोर्ट करता है, और वहां पर धर्म जात पात देश किसी को लेकर भी कुछ भी नहीं है फरिया की, उनका सिर्फ मुस्लिम को सपोर्ट करो। चलो ये तो ठीक है। और एक बात है कि पायल रोहतगी, जब पायल रोहतगी बिग बॉस जीतने के बाद, सिद्धार्थ जब बिग बॉस जीता है उसके बाद उनकी भी ट्वीट आई, और वहां पर उन्होंने लिखी कि बिग बॉस का विनर एक हिंदू बना जो कि है सिद्धार्थ शुक्ला, और आसिम रियाज मुस्लिम कम्युनिटी से है जो कि माइनॉरिटी है, और वो विक्टिम कार्ड का ड्रामा खेल रहा था, और मैं बहुत खुश हुई कि उस मुस्लिम को जितवाया नहीं गया है। और साथ साथ में और एक मुस्लिम को जिताया गया था बिग बॉस सीजन 7 में, जो कि थी गौहर खान, और वो भी एक गोबर है। और अगर पायल रोहतगी को आप अगर फॉलो करते हैं, उनके ट्विटर में जाएंगे तो उन्हें आपको मिलेगा कि वो हिंदू धर्म की सपोर्ट करती है। जी हाँ, तो अभी धर्म को लेकर छेड़खानी हो रहा है, लेकिन इन बीच और भी बहुत सारे मुद्दा सामने आ रहा है। फरिया ने जब कहा कि कलर्स टीवी ने ऐसा किया वैसा किया, कलर्स टीवी ने इंस्टाग्राम पोस्ट पे अपना डाला कि फरिया ये तो कभी कलर्स की एम्प्लॉय थी ही नहीं, और वो झूठ मूठ का रायता फैला रही है, और कोई उस बात की विश्वास ना करे। कलर्स की इस इंस्टाग्राम पोस्ट के बाद फरिया ने भी ट्वीट की, और वहां पर उसने कहा कि मेरा क्लेम चैनल के अगेंस्ट पे है और मैनेजमेंट के अगेंस्ट पे है, जो कि ट्रू नहीं है। ठीक है, चलो मैं चैलेंज करता हूँ, पहले वीक से फिनाले तक जो वोटिंग हुआ है वो ऑनेस्टली काउंट करो, फिर पता चलेगा कि असलियत क्या है। आसिम ही विनर था, सिद्धार्थ को जितवाया गया है। तो अभी ट्विटर में बहुत बड़ा एक जंग चल रहा है आप मान सकते हैं, और जाकर आप भी जंग का हिस्सा बन जाइए, ट्वीट करे, रिट्वीट करे, लव करे, कॉमेंट करे, और साथ में ये भी लिखे कि ये जो एलिगेशन लगाया जा रहा है कलर्स टीवी के ऊपर, ये क्या सही है या नहीं। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कॉमेंट का।